बुक ऑडियो प्रस्तुत कर रहा है ढेर सारी कहानियाँ। बच्चों, बुक ऑडियो के बस्ते से एक बार फिर से निकली है जापान की प्यारी सी बच्ची तोतो चान की कहानी। 4 घंटे लगातार तोतो चान को सुनने के बाद आज हेडमास्टर जी दोपहर का भोजन दिखाने ले जा रहे हैं। हाँ हाँ, रेलगाड़ी वाले स्कूल में दोपहर का भोजन। अब हेडमास्टर जी तोतो चान को वह जगह दिखाने ले गए जहाँ बच्चे दोपहर का खाना खाते थे। हम ट्रेन में नहीं खाते, उन्होंने समझाया, बल्कि सभागार में खाते हैं। सभागार उन सीढ़ियों के ऊपर था जिन्हें चढ़कर तोतो चान पहले आई थी। जब वे वहाँ पहुँचे तो बच्चे हल्ला करते हुए मेज व कुर्सियाँ उठा खिसका कर उन्हें एक गोल घेरे में लगा रहे थे। वे सभागार के कोने में खड़े बच्चों को देखते रहे। तोतो चान ने हेडमास्टर जी के जैकेट का किनारा खींचा और पूछा, बाकी बच्चे कहाँ हैं? बस इतने ही हैं जितने यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने उत्तर दिया। बस इतने ही? तोतो चान को विश्वास नहीं हुआ। उसके पिछले स्कूल की एक कक्षा में जितने बच्चे थे केवल उतने बच्चे मौजूद थे। आपका मतलब है कि पूरे स्कूल में करीब 85 बच्चे हैं? हाँ, बस इतने ही, हेडमास्टर जी ने कहा। यहाँ पहले वाले स्कूल से हर चीज अलग है, तोतो चान सोचने लगी। जब सारे बच्चे बैठ गए तो हेडमास्टर जी ने जानना चाहा कि हर एक बच्चा खाने में कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से लाया है या नहीं। हाँ जी, बच्चों ने अपने अपने डिब्बे खोलते हुए एक स्वर में कहा। जरा देखें तो क्या क्या लाए हो तुम लोग, हेडमास्टर जी ने मेजों के घेरों में घूमते हुए कहा। वे हर एक बच्चे के डिब्बे में झांक रहे थे और बच्चे खुशी से किलकारियां मार रहे थे। वाह, क्या मजा है, तोतो चान ने सोचा। पर कुछ समुद्र से और पहाड़ से का क्या मतलब होगा? कितना अलग है ये स्कूल, पर है अच्छा। उसे तो इससे पहले पता ही ना था कि स्कूल में दोपहर का खाना भी इतने आनंद की बात हो सकती थी। इस विचार ने कि कल वह भी इन मेजों में से एक पर बैठी होगी और अपना डिब्बा खोल हेडमास्टर जी को कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से दिखा रही होगी, उसे खुशी से भर दिया। उसका मन वहीं खड़े खड़े खुशी से कूदने की ओर होने लगा। हेडमास्टर जी हर मेज पर रुककर डिब्बों में झांक रहे थे और दोपहर को हल्की धूप उनके कंधों को नहला रही थी। बच्चों, दोपहर के भोजन के बाद तोतो चान का स्कूल जाना पक्का हो गया। चलिए, तोतो चान स्कूल जा रही है, चलिए उसके पीछे चलते हैं। हेडमास्टर के ये कहने के बाद से ही कि अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो, तोतो चान बेसब्री से अगले दिन का इंतजार कर रही थी। इस उत्साह से उसने कभी किसी दिन का इंतजार नहीं किया था। अक्सर माँ को उसे सुबह स्कूल के लिए बिस्तर छुड़वाने में भी परेशानी होती थी, पर उस दिन वह दूसरों से पहले उठकर तैयार हो गई और अपना बस्ता पीठ पर बांधे इंतजार करने लगी। घर भर में समय का सबसे पाबंद था रॉकी, वह जर्मन शेफर्ड कुत्ता था। रॉकी तोतो चान के इस अजीब व्यवहार को शंका भरी नजरों से देखता रहा। एक लंबी अंगड़ाई लेने के बाद वे तोतो चान के पास सरक कर बैठ गया और कुछ घटने की अपेक्षा करने लगा। माँ को तो बहुत कुछ करना था। तोतो चान को नाश्ता देकर वह उसका लंच बॉक्स बनाने में जुट गई। उसमें कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से भी तो डालना था। माँ ने रेलगाड़ी के पास को एक प्लास्टिक की थैली में डाला और एक डोरी से उसे तोतो चान के गले में लटका दिया ताकि वह खो न जाए। अच्छी लड़की बनना, पापा के बाल अस्त व्यस्त थे। बिल्कुल, तोतो चान ने जूते पहने और सामने का दरवाजा खोला। तब वह मुड़ी और शिष्टता से झुककर कहा, अच्छा, गुड बाय।
तोतो चांद को यूं निकलते देख माँ की आंखें बरबस भर आई। कितना कठिन था यह मानना कि उसकी चुलबुली बिटिया जो इतनी खुशी से स्कूल जा रही थी हाल ही में एक स्कूल से निकाली जा चुकी है। उसने दिल से प्रार्थना की, इस बार सब शुभ हो। पर अगले ही क्षण तोतो चांद को अपने गले में लटके रेल पास को निकालते और रॉकी के गले में लटकाते देख वो चौंकी। हे ईश्वर, उसने मन में कहा, पर मुंह से कुछ ना बोली, रुक कर देखने लगी कि आगे क्या होता है। तोतो चांद रॉकी के गले में रेल पास की डोरी डाल उसके सामने ही बैठ गई और तब उससे बोली, देखा तुमने, ये पास तुम्हें पूरा नहीं आता। डोरी लंबी थी और पास जमीन पर लौट रहा था। समझे, ये पास मेरा है, तुम्हारा नहीं। तुम इसे लेकर ट्रेन में नहीं चढ़ पाओगे, मगर मैं फिर भी हेडमास्टर जी और स्टेशन वाले आदमी से पूछूंगी, देखें वे तुम्हें मेरे साथ स्कूल आने देते हैं या नहीं। रॉकी ने पहले तो कान खड़े करके बातें सुनी, पर पास को दो एक बार चाट लेने के बाद उसने जमहाई ली। तोतो चांद आगे बढ़ती रही, जो ट्रेन का डिब्बा है वह तो रुका ही रहता है, मुझे नहीं लगता कि उसमें बैठने का टिकट लगता होगा, पर आज तो तुम्हें यहीं घर पर मेरा इंतजार करना होगा। रॉकी हमेशा तोतो चांद को पिछले स्कूल के दरवाजे तक पहुंचाने जाता और वहां से लौट आता था। स्वाभाविक था कि वह आज भी यही करना चाहता था। तोतो चांद ने रॉकी की गर्दन से डोरी निकाली और बड़ी सावधानी से रेल पास अपने गले में लटका लिया। तब एक बार फिर माँ और डैडी से कहा, गुड बाय। इसके बाद वह बिना पीछे देखी भागी। उसका बस्ता दौड़ने से उसकी पीठ पर उछल रहा था। रॉकी भी खुश हो उसके साथ हो लिया। स्टेशन का रास्ता भी प्रायः वही था जो पिछले स्कूल का था, इसलिए तोतो चांद को राह में अपने परिचित कुत्ते, बिल्लियां और पिछली कक्षा के साथ ही मिले। क्या वह अपना रेल पास दिखाकर कुछ शेखी बघारे, तोतो चांद ने सोचा, पर वह देर नहीं करना चाहती थी। आज नहीं फिर कभी, यह निर्णय कर वह तेजी से आगे बढ़ी। जब तोतो चांद स्टेशन के पास पहले की तरह बाएं ना मुड़कर दाएं मुड़ी तो बेचारा रॉकी ठिटका और इधर उधर झांकने लगा। तोतो चांद तब तक टिकट गेट तक पहुंच चुकी थी। वह लौटकर रॉकी के पास आई जो आश्चर्य से भरा खड़ा था। मुझे पिछली स्कूल में अब नहीं जाना है, मैं अब नए स्कूल में जाऊंगी। तोतो चांद ने अपना चेहरा रॉकी के चेहरे से सटा लिया। उसके कानों से एक खास तरह की बास आती थी, पर तोतो चांद को वह बास अच्छी लगती थी। बाय बाय, उसने रॉकी से कहा और टिकट बाबू को अपना पास दिखाते हुए स्टेशन की ऊंची सीढ़ियां चढ़ने लगी। रॉकी कुछ देर गुनगुनाता रहा और तब तक तोतो चांद की ओर ताकता रहा जब तक कि वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। है ना मजेदार, तोतो चांद स्कूल जा रही है। अगले भाग में तोतो चांद की ट्रेन वाली कक्षा चलेंगे और जानेंगे कि वहाँ पढ़ाई कैसी होती है। चलिए